ट कर पाएंगे हर रूम में इन ईच रूम हर रूम में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट बिठाने है, तो है, में आता है, highest, highest आ है। और, और हमें किसका दिया है, का ही। तो इनके हाइएस्ट नंबर इनका सबसे ज्यादा नंबर जो एक रूम में एकोमोडेट होगा यानी कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है उनको हम डिवाइड करेंगे रूम में मतलब एक रूम में मान लो टेन आ जाए या ट्वेल्व आ जाए कोई भी नंबर आ जाए वो डिपेंड करेगी हाईएस्ट नंबर कौन सा आ रहा है तो उनको अकोमोडेट कर डिवाइड हो रहे हैं यानी कि सिक्सटी एटी फोर हंड्रेड एट को हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड नंबर डिवाइड होता है अपने फैक्टर से ही डिवाइड होता है ठीक है क्योंकि मल्टीपल तो नंबर से बड़ा होगा तो मल्टीपल तो हम नहीं ले सकते तो फैक्टर लेना होगा और क्योंकि इक्वल नंबर हर एक में है हर एक में टेन 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 है पार्टिसिपेंट टेन है या ट्वेल्व है या कोई भी नंबर होगा तो यानी कि वो कॉमन भी होगा नंबर हर रूम का तो इसलिए इसमें क्या हुआ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चा फर्स्ट पार्ट में एच सी एफ और वही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन अकोमोडेट इन ईच रूम हर रूम में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट कितने आ सकते हैं हो में कैल्कुलेट करना है और वो क्या होगा ऑफ तो एच सी एफ निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्ट्राइजेशन करनी होगी जो मैंने ऑलरेडी करी हुई है देखो बच्चा सिक्सटी की प्राइम फैक्ट्रेशन होगी इज इक्वल टू टू पावर रेस्ट मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव और एटी फोर की फैक्ट्राइजेशन होगी टू रेस्ट पावर टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवन और वन जीरो एट की टू रेस टू पावर टू मल्टीप्लाई थ्री रेस टू पावर थ्री ओके अब इनका एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा ध्यान देना बच्चा हाइस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे लेते हैं कॉमन प्राइम नंबर की स्मॉलेस्ट पावर जैसे इन तीनों में टू कॉमन है और इनमें हाइएस्ट पावर क्या है टू ही है कि सब में टू है तो हाइएस्ट पावर भी टू ही होगी तो टू रेस्ट टू पावर टू मल्टीप्लाई बाय अब थ्री भी तीनों में कॉमन है तो इनमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है थ्री की पावर वन

रूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल टोटल नंबर नंबर ऑफ ऑफ पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट मिल जाएंगे और वो किसके लिख दिया 252, जो एक्चुअली है तो एन की वैल्यू क्या होगी बच्चा टू हंड फिफ्टी जितना हो सकता है तो ये आएगा टू वन एन हमारा ट्वेंटी तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनेगी मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर डूरिंग इवेंट इज ट्वेंटी वन तो सेकेंड पार्ट भी हमने इस क्वेश्चन का कम्प्लीट कर लिया है अब हम इस क्वेश्चन की थर्ड पार्ट फर्स्ट चॉइस सॉल्व करेंगे इसमें लिखा फाइंड द एल सीएम एंड वन जीरो हमें एटी फोर और वन जीरो करना है और हैंस फाइंड एच सी एफ और एच सी एफ का मतलब है जो इनका एलसीएम आएगा ना उसको यूज करते हुए हमें एच सी एफ फाइंड करना है

जैसे कि ए मल्टीप्लाई बी दो नंबर हो गए, यानी कि तो तो हम ये यूज़ करेंगे बच्चा। गएगा तो बी की जगह हमें फाइंड करना है उसको हम एक्स्यूम कर लेते हैं और एल सी एम अभी हमने फाइंड किया सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स अब एक्स की वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल टू एटी फोर मल्टीप्लाई जीरो अपॉन ऑन सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स अभी ये एटी फोर को टू से करेंगे तो फोर्टी टू आएगा और सेवन फिफ्टी सिक्स को अगर टू से डिवाइड करते हैं बच्चा तो हमारे पास आता है थ्री सेवन एट ओके अगेन ये टू से डिविजिबल है ट्वेंटी वन और ट्वेंटी uh, वन और इसको टू से करेंगे तो वन एट नाइन ओके अभी ट्वेंटी वन और वन एट नाइन दोनों बच्चा थ्री से डिविजिबल है ये सेवन और यहाँ पर सिक्सटी थ्री

तो एटी फोर की फैक्टराइजेशन जो कि कंपोजिट नंबर था तो उसकी फैक्टराइजेशन क्या हुई टू स्क् मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन तो इसको हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को एंड दिस फैक्ट्राइजेशन इज यूनिक तो जो ये फैक्ट्राइजेशन होगी यूनिक होगी अब ऐसे कोई दो नंबर नहीं होंगे जिनकी प्राइम फैक्ट्राइजेशन सेम हो जैसे एटी फोर की फैक्ट्राइजेशन ये है तो मैं कहूँ सेवेंटी टू की भी यही होगी ऐसा पॉसिबल नहीं है यानी कि वो यूनिक है यूनिक मीन खास फैक्टराइजेशन सब हर नंबर की एक अलग खास फैक्ट्राइजेशन है अब आगे देखा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर In which the prime factor और जो ऑर्डर है सेवन इंटू टू स्कोर इंटू थ्री ठीक है, order है, है 3, तो ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं ऑर्डर में मैटर नहीं करता अपार्ट फ्रॉम दर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अखर तो यह है बच्चा हमारी फंडामेंटल थियोरी ऑफ अर्थमेटिक्स तो इस तरह से बच्चा के स्टडी टू हमारी कंप्लीट हो गई है